तो फ्रेंड ये है मेरी त्रिवेणी अलमीरा, और ये मैंने होली में अभी परचेज़ की थी। और ये ऊपर जो आप वाइट वाइट डॉट देख रहे हो 3-3, ये मेरी बेबी ने बर्थडे में डेकोरेट किया था। तो ये स्टिकर हैं जो चिपक गए हैं, और डबल साइडेड जो टेप होता है वो है, और ये छूटने का नाम नहीं ले रहा है, बट मैं इसे छुटा दूँगी। और ये है, और अभी इसको टाइम हो गया है, और ये जैसी है फ्रेंड, मैंने इसमें कुछ किया नहीं है, देख लीजिए। और बिंदियाँ विंदियाँ ये सब साइड पे लगी हुई हैं, अभी मुझे ये सब साफ़ करनी है। और मैं इनको अभी मैं क्लीन नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत जो थी बहुत ख़राब थी। और ये इस तरीके से है, और मैंने इसे शायद होली के आसपास ही, होली के बाद परचेज़ किया था, और अभी इसको एक साल नहीं हुआ है, एक साल भी इसको हो जाएगा। बट ये त्रिवेणी अलमीरा मुझे बहुत पसंद आई थी, और बस मैंने जब इसे देखा था तो मुझे अच्छी लगी और मैंने इसे बस परचेज़ कर लिया था। तो चलिए चलते हैं, और मैं दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको मैनेज किया है। तो फ्रेंड ये देखिए, ये सब जो है ये मेरा, इसमें मेरी साड़ियाँ हैं, और इसमें काफ़ी स्पेस है, बट मैं बहुत ज़्यादा अलमारियाँ नहीं भरती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये सब मेरी साड़ियाँ लगी हुई हैं इसमें, और इन्हीं साड़ियों के साथ ये, और इसके जो ये आपको मिरर दिख रहा है, ये मिरर जो है इसका हाफ जो है ये इसका हाफ जो है उधर अंदर भी है, और इसमें काफ़ी स्पेस है, जिस तरीके से आप ये देख लो, इसके अंदर भी स्पेस अच्छा खासा है। ये मेरा पूरा हाथ अंदर जा रहा है, ये देखिए आप, और अच्छा खासा स्पेस है, और इसमें मेरी सारी साड़ियाँ जो हैं वो अच्छे से आ गई हैं, और मेरी सारी साड़ियों के ब्लाउज़ भी इसमें ही रखे हुए हैं, सब नीचे रखे हुए हैं, और जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सारे ब्लाउज़ जो हैं वो मेरे सब इसी में हैं। फ्रेंड जैसा भी है, अभी मैंने कुछ सही नहीं किया है, तो जो भी है मैंने सोचा यही वीडियो चलो बना देती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये है, और हाँ ये मैं बता दूँ आपको कि ये जो है ये शगन के लिए काफ़े हैं, तो जैसे कहीं पार्टी वगैरह में जाओ तो सबसे पहले इनकी ज़रूरत पड़ती है, और हम लोग अक्सर ये चीज़ भूल जाते हैं। तो मेरे साथ भी अक्सर होता था कि मैं जब भी कभी फंक्शन पार्टी में जाती थी तो अक्सर ये चीज़ भूल जाती थी। और फ्रेंड अलमारी खुल रही है अलमीरा, तो फिर लाइट कम हो रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो ये मैं फिर तब जब मैं एक दो बार ही भूल चुकी हूँ, तो उसके बाद से मैं अक्सर जो है ये जो शगन के लिफाफे होते हैं वो मैं अपनी इसी अलमीरा में रख देती हूँ, क्योंकि हम लोग कहीं जब फंक्शन में जाते हैं तो ये अलमीरा जब खुलती है तो हमें याद आता है कि हाँ यार शगन के लिफाफे तो ये रखे हुए हैं। और अभी मैंने नेल पॉलिश वगैरह भी नहीं चेंज की है फ्रेंड, क्योंकि तबीयत नहीं सही थी मेरी, कुछ करने का मन नहीं हो रहा था मेरा। तो ये इस तरीके से मेरी सारी साड़ियाँ लगी हुई हैं, और मैंने और कुछ भी इसमें नहीं इंक्लूड किया है। और ये आप देख सकते हैं, ये दंपत्ति मॉडल है त्रिवेणी अलमीरा, और ये दंपत्ति मॉडल है, और ये जो है ये इसका लॉकर है, और ये मैंने नीचे रखे हुए हैं फ्रेंड। ये है मेरे सारे साड़ियों के पेटीकोट्स, ये जो आप साड़ियां हैं देखिए, नीचे सारे ब्लाउज़ इसके रखे हुए हैं, और मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं मुझे। और ये जो है ये मेरी साड़ियों के पेटीकोट्स वगैरह हैं, इसमें सारे पेटीकोट्स हैं, सैटन है, और जितने भी ये सैटन के हैं, और ये जो भी गोल्ड वगैरह है, हर चीज़ है। और इसमें मेरी वो साड़ियां हैं फ्रेंड जो मैं जल्दी यूज़ नहीं करती हूँ, और मैं जो साड़ियां यूज़ नहीं करती हूँ, जिनको लगता है कि मैं नहीं इन्हें अभी वेयर करना है मुझे, वो मैं इन्हें अंदर रख देती हूँ। तो वो इसमें पैकिंग में रखे हुए हैं सारी, जब ज़रूरत पड़ती है, देने लेने की साड़ियाँ भी हैं इसमें, तो जब कभी देना लेना होता है तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी जब कभी साड़ियाँ लेने जाती हूँ, और या मुझे जो साड़ियाँ मिलती हैं या जो साड़ियाँ मुझे अच्छी लगती हैं वो मैं ख़रीद लेती हूँ, या फिर जो साड़ियाँ मुझे मिलती हैं कई बार वो साड़ियाँ भी मैं, जैसे मुझे नहीं पसंद आई तो वो भी मैं रख देती हूँ, कि वो साड़ियाँ जो हैं वो देने लेने में काम आ जाती है। और ये देखिए फ्रेंड, ये पता नहीं क्या है, ये देखिए बोरो प्लस इसमें रखी है, और ये बोरो प्लस मैं ढूंढ रही थी, देखिए, और ये मुझे मिल गई है, ये कहीं अंदर गिर गई होगी मुझे लग रहा है। तो चलिए आप लोग को
दिखाने के चक्कर में ही मुझे ये बोरोप्लस भी मिल गया सॉरी फ्रेंड। और ये और जो ये आप देख रहे हो ये मेरे वो ब्लाउज़ हैं जो मुझे सिलाने हैं, अभी ये सिले हुए नहीं हैं। और मैं इन ब्लाउज़ों को मैंने इसलिए सामने रखा हुआ है ताकि मुझे ये याद रहे कि हाँ मुझे ये दो ब्लाउज़ अभी सिलाने हैं, तो ये ध्यान से नहीं उतरेंगे, तो इस वजह से ये अभी स्टिचिंग को देने हैं, तो ये सामने ही रखी हूँ। इसकी साड़ी भी बहुत प्यारी है फ्रेंड, और ये ब्लाउज़ भी है, और तो इसी तरीके से ये है, तो इस तरीके से मैनेज मैंने किया है। और बहुत ज़्यादा मैं नहीं भरती हूँ क्योंकि ये अलमारियाँ बहुत हैं हमारे यहाँ, तो सब में मैनेज हो जाते हैं। सूट्स वगैरह हैं वो जो भी हैं वो भी अलग अलग भी रखे रहते हैं, तो इस एरिया में तो आपको हमारी सिर्फ ओनली साड़ियाँ ही मिलेंगी। तो ये इस तरीके से आता है, और उसके बाद ये आती है आप, ये मैं ये अलमीरा है, और इसमें ये जो है ये आसी के जो है टॉप वगैरह हैं इसमें लगे हुए हैं, और एक साइड पे जो ये है इनके पापा के सूट्स वगैरह हैं जो कवर में फिट होके रखे हुए हैं इनके सूट। एक साइड जो है ये अलमीरा का जो शीशे का जो आधा हिस्सा है उसमें काफ़ी स्पेस है, और ये जो है आधा हिस्सा जो इसका है वो समझ लीजिए आप, अंदर इतना स्पेस जो है उसमें जाता है। और ये जो है अलमीरा आधे में इनका ये सूट्स आ गए हैं, और आधे में ये जो है आशी के जो टॉप्स वगैरह हैं, जो टॉप हैं वो ऐसी जैसे 6 दिन के ना वीकली मैं क्या करती हूँ कि इनके जो 1 हफ्ते के जो इनको पहनने होते हैं मैं वो टॉप अलग कर देती हूँ, तो ये 6 टॉप जो 6 या 7 टॉप हैं तकरीबन, हाँ ये 7 टॉप हैं, और मैं निकाल देती हूँ कि तुमको मतलब ये पहनना है, फिर चेंज करती रहती हूँ, तो ये 6 या 7 टॉप हैं टंगे हुए हैं, और ये बहुत ही प्यारे हैं इस तरीके से। और मैंने जो है इसी तरह ताकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और वो अच्छे से निकाल लेती है सारे अपने आउटफिट जो है बहुत अच्छे अच्छे से हैं इसमें, और जब जाती है कभी वेयर करना होता है तो प्रेस हो जाते हैं। और फ्रेंड ये इसके जो हैं जो रखे हुए हैं ये जीन्स वगैरह हैं, स्कर्ट्स हैं, जीन्स हैं, और ये इसकी कुछ ड्रेसेस हैं इसमें, ये जो पहनने होते हैं जो वीकली रहते हैं सिर्फ ओनली वही कपड़े मैं इसमें रखती हूँ, ताकि फिर बाद में फिर मैं चेंज कर देती हूँ, अगर वो पहन लेती है फिर मैं दूसरे यहाँ पे रख देती हूँ कपड़े। और ये जो आप देख रहे हो ये एक, आप सोच रहे हो कि लिपस्टिक यहाँ क्या कर रही हैं, तो फ्रेंड मैं आपको बताऊँ मेरी एक आदत है कि मैं ड्रेसिंग टेबल के पास जो है जाके अपना मेकअप, या फिर मैं जब नहा के आती हूँ तो नहाने के बाद तुरंत मैं इसी अलमीरा के पास आती हूँ, बस यहीं पे खड़े होके फिर मेरा जो है नहाने धोने के बाद मैं यहाँ पे आती हूँ, तो मेरी आदत है कि ये जो है मुझे हैंडी रहता है काफ़ी, और मैं ये जैसे ऐसे बंद रहता है मैं इसको खोलती हूँ और उसके बाद मुझे ये दिखता है, और तुरंत फिर जैसे आप ये देख रहे हो, ये आप देख रहे हो गुड वाइफ का जो रखा हुआ है, जैसे कि मेरी आदत है मैं नहाने के तुरंत बाद जब आती हूँ तो ये मैं लगाती हूँ, गुड वाइफ का टोनर, ग्लो टोनर है, और ये गुड वाइफ का है, ये देखिए गुड वाइफ का सीरम, जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, ये मेरी आदत है फ्रेंड, तो मैं इससे जो है यूज़ करती हूँ। तो इसको लगाने के बाद मुझे लिपस्टिक चाहिए होती है, तो फिर लिपस्टिक मुझे यहाँ तुरंत जो है अवेलेबल हो जाती हैं, और ये आप देख सकते हैं इसमें मेरी सारी जो है लिपस्टिक हैं, और सारी तो नहीं कहूँगी बट हाँ रेगुलर मैं जो लिपस्टिक को रेगुलर लगाती हूँ वो सारी लिपस्टिक इसमें हैं, और ये काफ़ी हैंडी रहता है मुझे। और आशी भी पूछती है मुझसे मम्मा इसमें क्या कर रही है, बट उसको ये पोर्शन और उसको ये चीज़ बहुत पसंद है, मम्मा आपने ये बहुत अच्छी तरीके से वेयर ये बहुत अच्छी तरीके से रखा है सॉरी, और उसको ये बहुत अच्छा लगता है, तो वो नहीं बोलती है कि हटाने के लिए क्या है, तो ये मेरा स्टाइल है तो मैं इस तरीके से इसको यूज़ करती हूँ। और फ्रेंड ये जो आप देख रहे हो इस पे भी मेरे सारे वो कपड़े हैं और शॉल्स हैं, सूट हैं जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तकरीबन स्टॉल्स हैं सारे, और वो मैंने इसमें पैकिंग करके रखे हुए हैं,
और ये मेरे जो सूट हैं जो मैं अपना वीकली जो मैं आने जाने में यूज़ करती हूँ वो मैं भी निकाल के इसी में रख लेती हूँ ताकि मुझे हफ्ते भर के लिए प्रॉब्लम ना हो और मुझे पता रहे कि हाँ ये चाहिए मुझे, तो इस तरीके से मैं निकाल लेती हूँ। और ये कपड़े जो हैं पूरे इस तरीके से रहते हैं। तो ये अलमीरा जो है वो इसी तरीके से रहती है ताकि रेगुलर में रहती है, तो ये है कि उसके भी आसी के भी कपड़े रहते हैं इसमें और मेरे भी हो जाते हैं सूट वगैरह वीक के सारे। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो फ्रेंड, इसमें हमारे रहते हैं बैग, और ये बैग रहता है जो मैं, और ये बैग है, और ये देखिए ये अंदर भी ये जो बैग हैं सारे, अभी रोशनी कम आ रही होगी आपको, तो ये देखिए आप अंदर भी ये सारे बैग ही रखे हैं। मुझे जो जो चाहिए होता है फ्रेंड वो मैं ले लेती हूँ, और अभी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ इसलिए फ्रंट में ये बैग मैंने रखा हुआ है। और ये बैग है खादिम का, तो ये खादिम का बैग मुझे बहुत अच्छा लगा था और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने इसको लिया था, और अभी तो फ़िलहाल यही यूज़ कर रही हूँ तो इस वजह से ये फ्रंट में रखा हुआ है। तो फ्रेंड अभी मेरे सर्दी जुकाम बुखार है इस वजह से मुझे थकान बहुत जल्दी लग जाती है, तो ये जो आप देख रहे हो बस ये है, इसी तरीके से मैं मैनेज करती हूँ अपनी अलमीरा। तो जो वीक वीक में वो मैं चेंज करती रहती हूँ, आसी के भी कपड़े मैं चेंज कर देती हूँ कि हफ्ते में अब ये वेयर कर चुकी है तो फिर मैं दूसरे रख देती हूँ इसके कपड़े, तो इस तरीके से अलमीरा जो है वो मैनेज ही रहती है। और कभी भी अगर आप इस तरीके से मैनेज करोगे फ्रेंड, अगर आप सोचोगे कि आपके सारे के सारे कपड़े आप एक अलमीरा में भर के रख दो तो वो कपड़े जो हैं आप कभी एक पहन नहीं पाओगे, आपको ध्यान नहीं रहेगा कि आपको क्या पहनना है आपको क्या नहीं पहनना है। और इस तरीके से जब भी आप रखोगे तो आपको ये पता रहेगा फ्रेंड कि मैंने क्या निकाला है, मैं क्या पहनूंगी, और जो आपको पसंद हो वीक के लिए आप वो पूरा निकाल सकते हो। तो इस तरीके से मैंने उसकी, ये देखिए जीन्स हैं, जैगिंग्स हैं, लेगिंग हैं, स्कर्ट्स हैं, ये स्कर्ट्स हैं, स्कर्ट हैं, जैगिंग्स हैं, और ये सारी जीन्स वगैरह हैं जितनी भी हैं ये सब जीन्स हैं, जैगिंग हैं, और ये ड्रेस है, ये कुर्तियाँ हैं, ये टॉप हैं। तो जो उसको पहनना होता है वो निकाल लेती है, और जो वो पहन चुकी होती है फिर मैं उसको हटा देती हूँ, फिर मैं उसको यहाँ पे नया टॉप या फिर जीन्स या फिर जो भी उसे वेयर करना रख देती हूँ ताकि उसे बहुत आराम रहे कपड़े निकालने में। तो फ्रेंड ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, और स्पेशली आपको ये कैसा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर।